मुजरे शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको मां से मणिपुर नजर नहीं आता, मां से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, मां से महंगाई नजर नहीं आती, आपको मां से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। किस किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपाओं से माफी मांगनी चाहिए। बहुत अहम चुनाव है ये 2024 का, और इस अहम चुनाव में कुछ बड़े अहम फैसले भी होने हैं। उसमें से एक फैसला ये है कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा। उसमें से एक फैसला है कि क्या ये देश युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की आवाज को सुनेगा या एक आदमी के मन की बात सुनेगा। एक अहम फैसला इस देश को करना है कि क्या आने वाले भविष्य में ये देश रोजगार चाहता है, महंगाई कम चाहता है, गरीबी कम चाहता है, किसानों की के लिए सहूलियत, अच्छे दाम चाहता है, या सिर्फ जुमले चाहता है। और इसीलिए ये जो चुनाव है ये बहुत अहम है। ये हर साल की तरह होने वाला आम चुनाव नहीं है जो हर 5 साल पे होता है। और इस चुनाव की कुछ बड़ी परिवेश है, इस चुनाव का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये चुनाव हो रहा है। वो कॉन्टेक्स्ट है कि देश के, दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र में, जहां पर 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं, ऐसे राष्ट्र में रोजगार की बात ही नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक डेवलपिंग कंट्री में आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर GST लगाया हुआ है, कमर तोड़ महंगाई है, टैक्स वसूली चल रही है इस देश में। इस देश में 2014 से 24 के बीच में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई बनाई गई कि अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। और जब इस केस शेप्ड रिकवरी की बात प्रधानमंत्री से की जाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या सब गरीब हो जाएं? ये भी तो कह सकते थे कि क्या सब अमीर हो जाएं? ये मानसिकता है प्रधानमंत्री की। ये चुनाव हो रहा है तब जब 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है अपनी फसल का सही दाम मांगते हुए। कोई भूला नहीं है उन 700 किसानों को जो जाड़ा, गर्मी, बरसात में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे अपनी मांग, अपनी जायज मांग को लेकर, और नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी एक न सुनी। अपने अहंकार के चलते 700 किसानों की शहादत हुई और अंत में नाक रगड़ के 3 काले कानून वापस लेने पड़े। और जब किसान फिर से दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, तो क्यों मना कर दिया जाता है? दिल्ली जाने वाले किसानों के लिए सड़कें खुदवा दी जाती हैं, कीले गड़वा दी जाती हैं, दिल्ली जाने वाले किसानों के ऊपर आंसू गैस के बमगोले छोड़े जाते हैं। जब किसानों की शहादत हो जाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे। ये हाल है प्रधानमंत्री का। जब तमाम नेता जो नाम लेके कहते हैं हम उनसे मिले, सतपाल मलिक उसमें से एक है जो BJP के नेता थे, वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने पलट के कहा मैनू की, मेरे लिए थोड़ी मरे। तो मेरा अपना मानना है कि बहुत, और ये चुनाव महिला सुरक्षा पर मैं जितनी बात करूं उतनी कम होगी। ये चुनाव तब हो रहा है जब हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेके गुजरात की बिल्किस बानो, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, हमसे, हमारी सबसे होनहार बेटियां, हर औरत के खिलाफ अपराध हुआ और हर बार संरक्षण, हर बार प्रोटेक्शन, हर बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आरोपी के साथ खड़े पाए गए। तो ये परिवेश है इस चुनाव का। इस चुनाव में कोई गंगा में तैरती हुई लाशें भूला नहीं है कोरोना में, ना कोई भूला है कि कैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों श्रमिकों को पैदल चलवाया चिलचिलाती धूप में, तपती सड़कों पर, पैरों में छाले लिए, फफोले लिए, बच्चों को हाथ में लिए, गरीब मजदूर पैदल चलते रहे और ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलती रही कि कोई सड़क पर है ही नहीं। तो ये कोई भूला नहीं है।
कोई भूला नहीं है कि जब युवा ने रोजगार मांगा तो नरेंद्र मोदी ने कहा पकौड़े तल लो, पकौड़े भी तलने को तैयार थे। 90 का तेल आपने 220 कर दिया, आपने 400 की गैस को 1100 कर दिया, पकौड़े भी कैसे तले जाए। जब आपसे महंगाई की बातें देश की औरतों ने कही तो आपकी वित्त मंत्री ने कहा मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अरे आप नहीं खाती होंगी, देश तो खाता है। तो जिस जिस तरह के जुमले हमने सुने हैं और जिन जुमलों का अंत होना है उस परिवेश में ये चुनाव हो रहा है। तो हर उस समस्या का जिसको बनाने का पिछले 10 साल में काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, हमने भी ठान लिया कि हम हर उस समस्या का अंत करेंगे, हर उस समस्या का समाधान लेंगे। और ये 48 पेज का हमारा डॉक्यूमेंट, ये 48 पेज का पन्नों का हमारा न्याय पत्र, 15,329 शब्द है जिसमें, ये हर उस समस्या का निवारण है, हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने बनाई है। इसके 5 बड़े स्तंभ हैं। ये कमरे में बैठकर 2 विशेषज्ञों से बात करके टाइप करके नहीं बनाया। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा की कि यह देश जुड़ा रहे। उस पदयात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, वो तमामों अजनबियों से मिले, तमामों अजनबियों के आंसू पूछे, उनको गले लगाया, युवाओं से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, पंजाब से होकर गए और लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई, लोगों ने जो अपनी आशाएं बताई, अपनी सरकार से अपेक्षा बताई, वो है ये मैनिफेस्टो। जब वो मणिपुर से मुंबई चले, जिस मणिपुर में 1 साल गुजर जाने के बाद भी प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत नहीं है जाने की, उस मणिपुर से मुंबई की जब उन्होंने यात्रा करी और देश के युवाओं ने, महिलाओं ने, कारोबारियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने अपने दिल की बात जो बताई, वो है इस मैनिफेस्टो। बड़ी विडंबना है कि 73 साल का प्रधानमंत्री 5 साल और मांग रहा है और 24 साल के लड़के को कह रहा है तुम रिटायर होके घर चले जाओ। और वो लड़का ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहा है, वो लड़का तपते हुए रेगिस्तान से लेके हाड़ कांपती ठंड, हड्डी गलाने वाली ठंड सियाचिन में खड़ा होकर इस देश की रक्षा कर रहा है। और उसके साथ जो आप पक्षपात कर रहे हैं, आप जो सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, आप जो सेना, जो युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, उनका हम अंत करेंगे। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको मां से मणिपुर नजर नहीं आता, मां से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, मां से महंगाई नजर नहीं आती, आपको मां से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है एक औरत होने के नाते। मैं बहुत आहत हूं और मुझे लगता है इस देश की हर औरत आहत होगी। ये क्या शब्द का प्रयोग है? ये सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग है? असलियत यह है कि संविधान बदलने की और खत्म करने की साजिश आप आज से नहीं, आपके पुरखे सालों से रच रहे हैं। असलियत यह है कि इस देश को समझ में आ गया कि आप आरक्षण विरोधी हैं और आप ही नहीं, आपके गुरु गोलवालकर, आपके मनमोहन वैद्य, आपके मोहन भागवत, सबने आरक्षण की बार बार विरोध किया है। और आपको जब यह समझ में आ गया कि देश की जनता यह समझ चुकी है, देश की जनता छिटक चुकी है, आप झूठ बोलिएगा, आप झूठ भी बोलिए, लेकिन मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपों से माफी मांगनी चाहिए। मुजरे शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है।